कोरोना है कहाँ? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। मरना ऐसा है, जब मौत आएगी तो कोई नहीं बचा सकता है मुझे। डर है ना कोरोना? मास्क नहीं लगाया, लगाए थे तो थोड़ा निकाल लिए, सब गर्मी देने लगा थे। कोरोना से तो सभी डर रहे हैं, पूरा भारत डर रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। पूरे देश का कोरोना की वजह से एक बार फिर से बुरा हाल हो रहा है। बात बिहार की करें तो बिहार में भी कोरोना के इतने मामले निकल कर आ रहे हैं जिसके वजह से प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। आम लोग डर के मारे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो समझते नहीं है कि कोरोना कितना भयावह है और कोरोना की जो दूसरी लहर आई है वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होती हुई दिखाई दे रही है। आपने कई जगहों पर देखा होगा कि लोग अभी भी मास्क का प्रयोग भीड़भाड़ में नहीं करते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें मुजफ्फरपुर से निकल कर आई है। दरअसल हमारे सहयोगी अभिषेक मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। आप तस्वीरें देखिए, ये मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। लोग अलग अलग जगहों पर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे हुए हैं, लेकिन आपको अधिकतर लोगों के पास मास्क नहीं नजर आ रहा होगा। लोग ऐसे ही बेफिक्र बैठे हुए हैं रेलवे स्टेशन के भीतर, और वहां पर भी कोई ऐसा अधिकारी मौजूद नहीं है जो इस बात का ख्याल रखे कि लोग मास्क जरूर से जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। जब इस विषय में अभिषेक ने वहां के लोगों से बातचीत की कि क्या कोरोना से आपको डर नहीं लगता है, तो लोगों का जवाब क्या रहा, क्या किस तरह से इस बार कोरोना को लोग ले रहे हैं, वो आप सुनिए। कोई डर नहीं है, डरूंगा तो मरूंगा, मरना ऐसा है, जब मौत आएगी तो कोई नहीं बचा सकता है मुझे, है ना। मास्क ये फॉर्मेलिटी पूरा करना ही है, मास्क लगाना जरूरी है, सेफ्टी करना भी जरूरी है, यात्रा भी करना जरूरी है, और अपने काम पर भी जाना जरूरी है। अगर मैं काम पर नहीं जाता हूँ तो ये बच्चे कैसे पलेंगे, आप ही सोचिए। घर पर हम रह करके बैठ करके हम बच्चे को पाल पाएंगे? नहीं ना पाल पाएंगे, तो अपनी ड्यूटी पर तो जाना ही पड़ेगा। ड्यूटी जाएंगे सेफ्टी रहेंगे, सेफ्टी से जाएंगे सेफ्टी से आएंगे। क्या भैया मास्क नहीं पहने हुए हैं? डर नहीं है कोरोना का? हाँ डर है। डर तो मास्क नहीं पहने हुए थे, घूम रहे थे सबके साथ, इतनी भीड़ है, कोरोना इतना बढ़ गया है, लोगों की जाने जा रही है। ओके ओके। डर नहीं लग रहा है कोरोना में बिना? कोरोना है कहाँ? नहीं 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 लग रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं। कैसे कैसे कोरोना आपके इलाके में कितना, आपके गाँव में, आपके आस पास में कै को कोरोना से मरा है? साबित कर सकते हैं? हाँ। प्रमाण दे सकते हैं उसका? हाँ। हमें चल के दिखाइए तो दिखा दिया जाएगा। ऐसा नहीं रहता तो लोग मास्क, ऐसे सरकार, ये बड़े गुंडों गरीब मवालियों की सरकार है, ये गरीब मजदूर की नहीं है। अगर गरीब मजदूर की होती ना तो ये गरीबों की आवाज़ सुनती। डर है ना कोरोना? मास्क नहीं लगाए, लगाए थे तो थोड़ा निकाल लिए, सब गर्मी देने लगा थे। क्या लगता है यात्रा में डर वगैरह लगता है ना, इसलिए तो मास्क लगा रखे हैं। कोरोना से डर है कि नहीं है? कोरोना से तो सभी डर रहे हैं, पूरा भारत डर रहा है। मास्क नहीं लगाए थे, यात्रा करने जा रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं तो हम डिस्टेंस मेंटेन कर रखे थे, मास्क नहीं लगाए थे क्योंकि सफोकेशन हो रहा था, इस कारण से मास्क नहीं लगाए हुए थे। तो आपने देखा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वीडियोस दिखाए, जहां पर लोग अलग अलग जगहों पर जा रहे थे। दिल्ली जाने वाले लोग थे, मुजफ्फरपुर से अलग अलग शहरों को जा रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे थे। बहुत भीड़ में एक दो लोग मास्क पहने हुए हैं, लेकिन उस ग्रुप के कई लोग मास्क नहीं पहने हैं, ऐसा भी आपने देखा होगा। और जब उनसे कहा जा रहा था तब वो मास्क पहन ले रहे थे, लेकिन इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप किसी को खाने के लिए या फिर किसी के डर से मास्क ना पहने, लेकिन आपको जहां ज़रूरत लगे, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो या फिर आप घर से बाहर निकलें, तो ज़रूर से ज़रूर मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, क्योंकि अभी के वक्त के लिए यही सबसे अच्छा उपाय है आपको कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। कोरोना है कहाँ? नहीं नहीं लग रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं। मरना ऐसा है, जब मौत आएगी तो कोई नहीं बचा सकता है मुझे। डर है ना कोरोना? मास्क नहीं लगाया, लगाए थे तो थोड़ा निकाल लिए, सब गर्मी देने लगा थे। कोरोना से तो सभी डर रहे हैं, पूरा भारत डर रहा है।